जी सर, की नाम है अपना ते की ये पूरा मामला? नमस्कार, सत श्री अकाल। माई सैल्फ एडवोकेट राजीव शर्मा। पहले भी थानू जिवें दस चुकिया कि जर्मन जी जिहड़ा एकम ढाबे का मालिक है उन्हें मेरे से असॉल्ट किया, सरेआम गोलियां चलाइया सी। तो मैं पहले दिन तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कह रहा मैं एप्रीहेंशन नहीं, आई एम वेरी मच क्लीयर अबाउट द फैक्ट कि पुलिस उसके नाल बिल्कुल रली हुई है। तो मैं पहले ही पता है पुलिस ने एफ आई आर नहीं करनी सी, तो मीडिया भरावान ने मेरी कवरेज करती जी, मैं उन्हें सटा लगाइया सी, सरेआम फायर किए सी, इन्नी ज्यादा मीडिया वाइडली कवरेज हो गई वो कि पुलिस का प्रेशर बन गया कि एफ आई आर तो हूँ दर्ज करनी पैनी है। सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस को गई सी, उन्होंने कहा साढ़े को हैगी नहीं है। फिर मैं हाई कोर्ट च रिट फाइल कर दिती, जज साहब अगे मैं बेनती की कि पुलिस जी है हैंड इन ग्लव्स हैगी है अक्यूज के नाल, तो कृपा करके केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ठीक है जी। तो जज साहब जो सारे हाई कोर्ट जज साहब से ऑनरेबल जज सर ने स्टेटस रिपोर्ट की डिमांड कर ली 18 नवंबर को पुलिस को कि तुम स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो कि तुम हाले तक की कार्रवाई की है। तो पुलिस फिर प्रेशर च आ गई, तो हूँ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हैगी सी, उस बेसिस से पुलिस ने आर्म्स एक्ट के नॉन अवेलेबल जड़े ऑफेंसिस वो भी अक्यूज उत्ते लगा दिते गए, जिदे वास्ते अक्यूज ने एंटीसपेटरी बेल जड़ी है फाइल की, जिदी अज सुनवाई सी जज साहब सामने एडिशनल सैशन जज साढ़े अते अमृतसर कोर्ट च उन्होंने अगे सुनवाई सी। जज साहब बड़े कोऑपरेटिव, उन्होंने मेरी गल बड़े ध्यान नाल बड़े प्यार नाल सुनी है। पर बड़े मजे की गल है कि इट वॉज स्टेट वर्सिज जर्मनजीत सिंह। स्टेट मीनस पुलिस एंड सरकारी वकील से मैं एक साइड के होने चाहिए सी, तो जर्मनजीत या उहदे वकील दूजे साइड के होने चाहिए सी। पर बड़े मजे की गल है पुलिस वाला जिहड़ा स्टेट वालों पेयर होया, जिहड़ा मेरे वालों पेयर होया, वो जर्मनजीत सिंह दे वकील दे नाल ही खड़ा सी, तो उन्हें सरेआम जज साहब नूं कह दिता कि सानू कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो बड़ा मजा आ रहा है गल सुन के, देखो किन्ना ज्यादा करप्शन और किन्ना ज्यादा तुसीं समझ लो कि सांड गांड हैगी है एक एंटी सोशल एलीमेंट्स ते पुलिस दी, ए आपस च इन्ना तालमेल करके चल रहे है कि सरेआम जज साहब ने दो बार पूछा हाँ जी दसो। और बड़े मजे की गल है कि इनवेस्टिगेटिंग एसएचओ साहब खुद नहीं आए, एसीपी साहब खुद नहीं आए, आई थिंक एएसआई नूं भेजा, तो उन्होंने जज साहब ने दो बार पूछे हाँ जी कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए है, तो उन्होंने कहा दो बार डर के रिलकटेंटली नहीं सर नहीं सर, इस तरह का बयान सी। ते मैं ही कहना चाहूंगा पुलिस नूं कि तुसीं तां अपनी ड्यूटी करनी नहीं, तो मैं तो वैसे समाज सेवक हाँ, मैं तो ड्यूटी करवा लैनी है तुहाडे को, क्योंकि तुसीं सारी पुलिस नूं रिप्रजेंट नहीं करते, एयरपोर्ट थाना 100% पुलिस नूं रिप्रजेंट नहीं करता, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਹੱਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ASI ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ASI ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਧਰੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਗਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੇ 6-7 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ACP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ASI ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਚਾਰਜਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਓ। ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ,
चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत मान जी थोड़े तक भी पहुंच रही है, डीजीपी साहब थोड़े तक भी पहुंच रही है, की सिस्टम है ब्लैटेंट सरेआम थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जोड़ा भी तुसी सेंड किया कोर्ट सरेआम कह रहे कि सानू जिहड़ी कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं चाहिए। इट्स अ ग्रेट थिंग यार, वेल डन, वंडरफुल, पंजाब पुलिस जिंदाबाद है, मैं पता तो जिंदाबाद ही है। देखो मेरी कार्रवाई हम सीधी और सीधी पुलिस के अगेंस्ट स्टार्ट हो रही है क्योंकि जरमनजीत सिंह तो चलो कानून के दायरे च ही है क्योंकि अगेंस्ट ऑलरेडी जी रिट हाई कोर्ट च फाइल्ड हैगी है और आप जज साहब को डिमांड की है कि केस न सीबीआई ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि पंजाब पुलिस कार्रवाई करने वास्ते राजी नहीं की है। हुण उच्च अधिकारी एसीपी कवलजीत सिंह वर्गे उच्च अधिकारी अगर जांच नहीं प्रॉपर कर रहे या ए सारा जिहड़ा रूप जिहड़ी भी चीज होई उहदे शामिल हैगे तां की कर सकदे छोटे अधिकारी, वह भी रले ने। ठीक है जी, तो कोई गल नहीं, जदों हाईकोर्ट बुलाएगी तो तुहानूं ते अपनी परसनल अपीयरेंस भी देनी पएगी। तो मैं हाईकोर्ट की मैंबरशिप वास्ते भी बार कौंसल वास्ते अपलाई कर दिता, मैं ही उत्थे होवांगा, मैं ही तुहानूं क्वेश्चन पूछांगा, मैं ही तुहाडे सामने होवांगा, तो तुहाडी जिहड़ी अकाउंटेबिलिटी मैं ना फिक्स करांगा। फिर मैनूं कह देना कि नहीं कीती फिक्स क्योंकि सैलरीज वंस अगेन आई एम गोइंग टू से दैट भाई साहब आज एक आम बंदे वास्ते 10,000-15,000 कमाना बहुत औखा है, तुहाडी सैलरी से वेख लो इन्नी ज्यादा वधिया लाइफ हैगी, इन्नी पावर्स नूं इंजॉय कर रहे हो ते जस्टिफाई करो, एक एक रुपए नूं जस्टिफाई करो, एवें टैक्स पेयर की मनी नूं ना पड़ाउण। यह जिहड़े हैगे तुसीं उपरों जिहड़े पैसे खांदे हो यह तुहाडी जिहड़ी है एडिशनल इनकम नहीं गई है, इहदे करके तुहाडी जिहड़ी मेन इनकम उह भी जा सकती है। चलो इस तों ज्यादा मैं गल नहीं करनी है, मैं सीधा सीधा वार्न करदा पंजाब पुलिस नूं रेडी हो जाओ, तुहाडे वास्ते कार्रवाइयां मेरी स्टार्ट हैगी है। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ। ਐਨੀ ਆਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 7527861111, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।